गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। एंड टुडेज टॉपिक इज एरिया ऑफ स्क्वायर। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आज हम क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे किया जाता है, इसमें क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर को कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो इसलिए आप, मैं जो भी बताऊंगी इस वीडियो में, उसे आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे, और मैं क्या कह रही हूँ ये भी क्या करोगे, आप ध्यान से सुनोगे। सो हमारा टॉपिक क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स को मैं वन बाय वन क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 12 सेंटीमीटर। हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो सॉल्व किया था, उसमें भी हमने फार्मूला यूज़ किया था। तो वो कौन सा फार्मूला था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमने क्या फार्मूला यूज़ किया था? लेंथ इनटू ब्रेथ। और आज एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। हमने रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं उसमें, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो स्क्वायर के भी कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, बट स्क्वायर के जो 4 साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए हम उसमें फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं लगा सकते, इसमें हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड, क्योंकि उसके जो स्क्वायर के साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें? साइड इनटू साइड। तो मैं आपको अब यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा क्या हमें निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। हम क्या लिखेंगे? साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा होता है, उसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? साइड इनटू साइड। अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे, साइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखेंगे हम? 12 सेंटीमीटर इनटू 12 सेंटीमीटर। हम 12 इनटू क्या करेंगे? 12 का हम क्या करेंगे, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर में आ जाएगा, मीन्स दो बार हो गया है ये। तो इसलिए 12 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 144। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है तो आप साइड में क्या करेंगे, 12 ऊपर लिखेंगे फिर 12 नीचे लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ ऐसे। 12 इंटू 12 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 4 4 1, आया कि नहीं? 144। यस, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो आप कहीं साइड रफ कॉपी में ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो याद रखना है आपको ये फॉर्मूला, आप जब तक फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तब तक आप एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड।
मीन्स फिर साइड के जगह पे यहाँ पे नंबर्स दिया गया होगा, आपको वही नंबर्स क्या करना होगा, यहाँ पे लिखकर मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब मैं आपको अपना सेकेंड एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ। इसे भी हम पहले वही लिखेंगे, क्या हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये मैंने एस इंटू एस लिखा है, एस का मतलब होता है साइड, इंटू साइड मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फुल स्पेलिंग लिखी थी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म। तो अब साइड में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे नंबर, 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। अब 25 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको 25 और 25 डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर लिख सकते हो। तो मेरा आंसर कितना आया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अपना थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। यहाँ पे मैंने एस इंटू एस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, साइड इंटू साइड। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। अब हम अपना फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ए मीन्स एरिया, ओ एफ ऑफ, एस मीन्स स्क्वायर, इज इक्वल टू एस इंटू एस मीन्स साइड इंटू साइड। तो अब हम क्या करेंगे, साइड इंटू साइड की जगह पे उसका नंबर लिखेंगे, 2 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। कैसे लिखा, सेम जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया, थर्ड सॉल्व किया, उसी तरह मैंने फोर्थ को भी सॉल्व किया है। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पे भी मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर ही लिखा है, ए मीन्स एरिया ऑफ, एस मीन्स स्क्वायर, एस मीन्स साइड इंटू साइड। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 मीटर स्क्वायर। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, 30 सेंटीमीटर। तो इसे भी हमें क्या करना है, वैसे ही सॉल्व करना है, लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, वही मैंने लिखा है। अब क्या लिखेंगे हम, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। दोनों के पास जीरो है तो हम जीरो जीरो लिख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे, फिर 3 3 9, इतना आया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब हम क्या लिखेंगे साइड की जगह पे, उसका नंबर 15 मीटर 15 मीटर। फिर 15 में हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225 मीटर स्क्वायर। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है, 22 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। जैसे हमने बाकी के भी एग्जांपल को सॉल्व किया, उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम हमें उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब साइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 22 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 22 में 22 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, 22 जा कितना होता है, 44, 4 लिखा, 4 कैरी किया, 22 जा कितना होता है, 44, 44 में हमने 4 ऐड किया तो कितना है, 48, मीन्स 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया, अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है डायरेक्टली तो आपको क्या करना होगा, कहीं रफ में
मल्टीप्लाई करना होगा। मैं एक रफ पोजीशन भी आपको करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे 22 × 22, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 484 आ गया ना, 484। तो आपको ये सेशन कहाँ पे करना है? रफ कॉपी में, यहाँ आंसर में नहीं करना है। इसे रफ कॉपी में करके आंसर फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है? आपको ये बात याद रखनी होगी। तो इसी तरीके से आपको आपके सामने एग्जांपल दिए गए होंगे, उसे सॉल्व करना है। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला याद रखना होगा, साइड इन टू साइड, फिर साइड के जगह पे उस वो नंबर्स को आपको लिखना होगा, और फिर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और याद रखना, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ मीटर दिया गया होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ ही गया होगा, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, तो इसलिए आपको भी एग्जांपल्स को ध्यान से आपने ध्यान दिया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आपके सामने एग्जांपल्स आएंगे तो उसे आपको इसी तरीके से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।